Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your science teacher, Ms. Ramja. And today we will solve the exercise of unit number 1. If you remember, student, in my last video we will solve the MCQs and label the diagrams. But today we are solve true false. So in page number 15 पे आपको क्या दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं. फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है आपके पास, डायरिया कॉजेस कफ, के डायरिया जो है वो कफ कॉज करता है. स्टूडेंट्स, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डायरिया जो है वो कफ कॉज नहीं करता है. डायरिया तो लूज मोशन को कहते हैं, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो राइट हियर फॉल्स. सेकेंड चीज, मीट एंड एग्स आर हाई फैट फूड. चीज़, मीट और एग जो है वो हाई फैट फूड होते हैं, यानी कि उनके अंदर हाई अमाउंट में फैट पाया जाता है. तो दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट है, द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है. स्टूडेंट्स, नहीं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर जो है हमारे पास ब्रीथिंग कहलाता है. तो सी क्या है आपके पास, फॉल्स. राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट क्या है, द एयर इन द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड मॉइस्टन एंड कूल्ड. जो आपके पास एयर है तो नॉस्ट्रिल के अंदर जो आती है तो एयर नॉस्ट्रिल के करते से फिल्टर कर लेती है, मॉइस्ट कर लेती है और कूल कर लेती है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. राइट हेयर ट्रू. फिफ्थ है, द नेजल हेयर्स फिल्टर द एयर. जो नेजल हेयर्स है वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. राइट हेयर ट्रू. नेक्स्ट है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बॉयल्स एयर. जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का वो एयर को बॉयल्स करती हैं. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट हेयर फॉल्स. नेक्स्ट है, द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्टन द एयर. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, एयर को सॉफ्ट कर देती है, नर्म कर देती है. इज द राइट स्टेटमेंट. राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट क्या है, द लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. जो लेरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है. इज द करेक्ट स्टेटमेंट. राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट है, द ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रोंकाई. जो ट्रेकिया है वो टू ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट है, द ब्रोंकाई आर लाइन अप विद थिक सेल्स. जो ब्रोंकाई है वो उसके अंदर लाइनिंग बनी हुई होती है, फिलिंग होती है थिक सेल्स की. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट हियर फॉल्स. ईच लंग्स कंटेन अबाउट 350 मिलियंस एल्वेलाई. हर लंग्स के अंदर अबाउट 350 मिलियंस एल्वेलाई होते हैं. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट हियर फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, आपके तमाम ट्रू फॉल्स अपनी बुक के अंदर जो है बिल्कुल इसी तरीके से फिल करने हैं. अब हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए, हमारी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. अब आपको क्या करना है, इन बुक पेज यानी कि जिस पे आपका ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको जो पेज नंबर है वो अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, राइट करना है, बुक वर्क मेंशन करना है. लाइक दिस, जैसे मैंने किया हुआ है, बुक वर्क लिखना है आपको. उसके बाद चूज द बेस्ट आंसर. पेज नंबर 12, 15 पे है, ट्रू एंड फॉल्स, लेवल द डायग्राम एंड कंप्लीट द टेबल. ये तमाम आपको पेज नंबर 12 से 15 पे ये बुक वर्क आपको मिल जाएगा. तो आपको कॉपी में क्या करना है, इस बुक वर्क को बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से मेंशन करना है. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्टिविटी टाइम. एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, हाउ टू प्रिपेयर राइस ORS. आप जो है वो राइस ORS को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ORS. ORS है क्या, ORS एक ऐसा लिक्विड है आपके पास जो डिहाइड्रेशन, यानी कि जब इंसान के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ह्यूमन बींग के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं लोगों को कि वो ORS इस्तेमाल करें. ठीक है, तो ORS एक ऐसा लिक्विड है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है. ठीक है, और जब हमें लूज मोशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो भी हम ORS का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए हम ORS का इस्तेमाल, हम ORS का यूज़ करते हैं. ठीक, तो राइस ORS कैसे बना सकते हैं हम, चलिए पढ़ते हैं कैसे बना सकते हैं. हमें क्या करना है, प्रोसीजर पढ़ लेते हैं. एड अ हार्मफुल ऑफ ग्राउंड राइस एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू हाफ अ लीटर ऑफ वाटर. आपको करना है एक हैंडफुल ऑफ ग्राउंड राइस लेने के, बिल्कुल एक चुटकी जो है आप राइस ले सकते हैं, और अ पिंच ऑफ सॉल्ट और एक चुटकी ही आप क्या लें, नमक लें. ठीक है, और उसको 1 लीटर पानी के अंदर क्या कर दें, आप डाल दें. नेक्स्ट क्या करना है आपको, बॉयल इट फॉर 7 मिनट्स. आपको 7 मिनट्स के लिए क्या करना है, इसको बॉयल करना है, एंड देन लेट इट कूल. और आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दो, उसको ठंडा होने दें.
कंज्यूम दिस राइस ओरेस विद 12 आवर्स. फिर 12 आवर्स के बाद आप देखेंगे तो वो राइस ओरेस जो है वो प्रिपेयर हो चुका होगा. ठीक है, तो ये एक्टिविटी इंशाल्लाह हम अपनी क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे. आपको करना क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर शीट पे आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है. क्वेश्चन लिखना है इसी तरीके से, हाउ टू प्रिपेयर डाइस ओ आर एस, देन हेडिंग डालनी है और फिर आपको इसका प्रोसीजर लिखना है. देन आपको राइस की यहाँ पर जो है वो राइस जो है वो लगाने भी है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने लगाए हैं. पिंच ऑफ सॉल्ट लगाना है एंड देन यहाँ पर ग्लास बनाना है और स्पून बनाना है. Hopefully student you understand this exercise. This is the end of this chapter. Inshallah I will meet you in my another video with another chapter. Till then take care and Allah Hafiz.